हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, इंडिया एंड यूके डिस्कस इंडो पैसिफिक एंड ट्रेड। तो इंडिया किधर है, यूके किधर है, इंडो पैसिफिक किधर है? आ जाना चाहिए। ये रहा इंडिया, ठीक है। इंडिया, ये नीचे में इंडियन ओशन है। यहाँ पे आप देखिए, यूरोप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यूरोप के ऊपर वाले कॉर्नर पे यहाँ पे यूके है, ठीक है। ये चीज़ अपने आप आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। इधर में आप देखिए, अटलांटिक ओशन है, इंडो पैसिफिक आपका इधर वाला रीजन है। तो एक बार चलिए मैप में देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये है इंडिया अपना, ठीक है। इंडिया के नीचे में आप देखिए इंडियन ओशन, ठीक है। ये यूरोप स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है। और यूरोप के आप देखिए, यहाँ पे हम लोग ने देखा यूके। अब यूके यहाँ पे इंडो पैसिफिक ये है क्या? नहीं, ये अटलांटिक है। ये अटलांटिक ओशन आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं है। इंडो पैसिफिक ये रीजन आपका इंडो पैसिफिक है, जहाँ इंडिया से लेके पैसिफिक ये वाला। तो मतलब बात हो रही है इस रीजन की। और यूके कहाँ पर है? यहाँ पे। और इंडिया कहाँ पर है? इधर में। तो ये तो इस लोकेशन की हमने बात देख ली। अब चलिए देख लेते एक बार किधर है आपका यूके। ये रहा यूके। यूके के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ अगर हम लोग देखें, मार्क करना चाहें, तो मैं आपको बता दूँ, यूके ब्रिमहिंगम। तो आप देखिए, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला यहाँ पर काम चला था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बिगेस्ट है इसकी, और सबसे बड़ी बात, ये आज बैंकरप्ट है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट यहाँ की जो बैंकरप्ट हो गई है इनका स्टेट, ठीक है। ये रहा लंदन आपका, ठीक है। और ग्लासगो आप ध्यान रखिए, मैनचेस्टर देखिए, लिवरपूल देखिए, वेल्स देखिए, इंग्लैंड देखिए, ऑक्सफोर्ड यहीं पर है, कैम्ब्रिज यहीं पर है, नॉर्विच यहीं पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी है। आइल्स ऑफ मैन देखिए। अब नीचे में आप देखिए कौन सी कंट्री है। यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे पेरिस है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। ये इंग्लिश चैनल है आपका, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे बेल्जियम आ जा रहा है, यहाँ पे नीदरलैंड्स आ जा रहा है, यहाँ पे लग्जमबर्ग आ जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आयरलैंड है आपका। तो इसके चारों दिशा में हम देखें अगर क्या क्या है, ये डेनमार्क देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्थ सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ऊपर में आप देखिए स्कॉटलैंड है, यहाँ पे नीचे हमने फ्रांस देख लिया। तो ये सारी जगह हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट हो जा रही है, कहाँ पर है हमें पता चले। नीदरलैंड्स की इधर में देखिए, जर्मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी फ्रैंकफर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देखिए, बस मतलब ये जगह आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। तो अब चलिए देखते हैं है क्या। रियअफर्मिंग म्यूचुअल कमिटमेंट टू मेरीटाइम फ्रीडम, इंडिया एंड यूके ऑन मंडे डिस्कस्ड द सिचुएशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। द डिस्कशन वॉज हेल्ड अंडर ड्यूरिंग द इनॉग्रल 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। द टू साइड्स ऑल्सो डिस्कस पॉसिबिलिटी फॉर फर्दर कोलेबोरेशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन, हेल्थ, एनर्जी एंड स्ट्रेंथनिंग पीपल कनेक्ट, रिलीज सेड, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें की बात हो रही है। द डिस्कस्ड आइडिया रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म, HADR एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी। द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय पीयूष श्रीवास्तव, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड विश्वेश नेगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड द यूके डेलीगेशन वॉज को चेयर्ड बाय बेन मेलोर, इंडियन डायरेक्टर, इंडियन ओशन डायरेक्टरेट, FCDO एंड लेफ्टिनेंट जनरल रॉब डिप्टी, ठीक है। तो इसमें बस यही सारे इंडो स्पेसिफिक, जैसे ये इंडिया है अपना, इंडियन ओशन, ठीक है। ऊपर में हम लोग देखें यहाँ पे पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग